शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो मेरे घर में आने का शुक्राना गुरु जी, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना, मुझे अपने चरने लगाने का शुक्राना, मेरे दिन सुधारने का शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सबसे पहले तो मैं जो सत्संग शेयर करूंगी, जब मामा बीमार हुए, मामा को फुल कोविड था, डॉक्टर ने यहाँ पे जवाब दे दिया, मामा को ले गए, डीएमसी एडमिट करवाया, 18 डेज मामा वहाँ एडमिट रहे। और उन दिनों सिस्टर है मेरे दिल्ली गीतू दीदी, उन्होंने मुझे बताया, कहते तू ऐसे गुरु जी को याद कर, गुरु जी सारा कुछ ठीक करेंगे। तो मैं दीदी से नाम तो पहले सुना हुआ था, ऐसे था, कभी कुछ विश्वास नहीं, कुछ नहीं, कोई बात भी नहीं ऐसे। दीदी कहते तू उनको याद करके सो, क्योंकि यदु वहां पे थे, हम अकेले थे, पेशेंट पास से क्या था, तो हम तीनों को क्वारंटाइन कर दिया, बच्चे छोटे छोटे, 2 साल पहले की बात है, वो थर्ड में वो फर्स्ट में, और कोई घर पे आ नहीं सकता, हम लोग बाहर जा नहीं सकते थे। तो नॉक होना डोर, सामने वाली आंटी है, उनको फोन करना कि देखना कि कोई बाहर तो नहीं है, इतना डर लगता था, कोई ऊपर भी नहीं था रेंट पे भी। तो कहते तू गुरु जी ने याद कर दीदी, कहते देखी गुरु जी ने तेरे नाल आ जाने। मैं एक उसकी बात मान के ना दीदी की, उसकी बात पे विश्वास है कि चलो मैं कर लेती हूँ। रात को याद करके सोई कि गुरु जी मैं ना अकेली हूँ, आप आ जाना, इतना कह के दिमाग में भी नहीं है कि मैंने कुछ कहा या कुछ नहीं। ब्रदर 12:30 तक बात करता रहता था कि दीदी कर लिया, चलो उसको सपोर्ट मिलती रहेगी। ऐसे करते करते नींद आ गई, पता नहीं कब नींद आ गई, लाइट भी जला के सोते थे हम लोग, डर बहुत लगता था अंधेरा करते थे, सो रहे हैं। उसके बाद एकदम से पता नहीं कब आंख लगी है, कैसे है, गुरुजी आए, गुरुजी येलो चोले में आए हैं। तो मैं देख के ना उनको हैरान हो रही हूँ, मैं कह रही हूँ कौन है, आप तक कहते तू बुलाया सी, मैं आ गया, फिर आ गया, जैसे ही आ रहे हैं बैठ के ना इस साइड से निकल रहे हैं, मैं क्या कहाँ जा रहे हो, कहते हो तू क्या से आ जाओ, मैं सारे घर का चक्कर पर लाऊंगा, फिर मैं देखना नहीं तेरा। वो देख के इधर से आ गए और मैं हड़बड़ा के उठ गई, जैसे मैं उठी पूरी स्वेटिंग, मैं ऐसे देख रही कि कौन सी गा, मैं क्या गुरु जी आए सी। तो मैं शॉक्ड देखती रही, सुबह हो गई, दीदी को बताया, दीदी कहते तू गुरु जी कहने ना, दीदी किसको गुरु बनाए, आप किसको गुरु बनाए, यही कहते रहते हो, फिर कहते नहीं नहीं आत्मा ही गुरु है, आत्मा को बना ले, फिर ऐसे चलते रहते। कहते तू मेडिटेशन कर दी ना, हम तू गुरु जी ने याद करे, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, आसपास क्या करेगी, फिर गुरु जी को याद करना। मैं ऐसे मेडिटेशन पे बैठ गई, एक्चुअली आई एम यूज टू डू मेडिटेशन, बिफोर 20 years आई हैव स्टार्टेड दिस। तो मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठी, 7 chakras मेडिटेशन जैसे मैंने स्टार्ट की, मैं मेडिटेशन करते करते 7 chakras रूट चक्रा से ऊपर जैसे ही मैं पहुंची, मैं जैसे क्राउन चक्रा में पहुंची, गुरु जी आए, मतलब आई वॉज स्टिल लाइक स्टैचू, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर, कोई मुझे आवाज भी नहीं आई। गुरु जी ने मतलब ही ओपन माई क्राउन चक्रा, ऐसे ऊपर आए, खोला, एंड ही पीप्ड, पूरी तरह से देखा अंदर, और ही जंप, उन्होंने पूरा अंदर जंप किया, और मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही, मैं वैसे ही अपनी वो ज्ञान मुद्रा में बैठी। जैसे उन्होंने अंदर जंप किया, मुझे फील हो रहा है कि अंदर कुछ जा रहा है, पता नहीं किसको फील हो रहा था, मुझे ये भी नहीं पता। वो जैसे ही अंदर गए, अंदर जाते जाते मुझे ये पता कि यहाँ तक आए, जब वो रूट चक्रा तक पहुंचे तो बिल्कुल इतना बड़ा मोटा काले नाग जैसा वो बाहर निकल गए, जैसे वो जमीन से बाहर निकले। उसके बाद मैं कितनी देर तक, मेरी एनर्जी का फ्लो क्या था, कैसे था, मैं हिल नहीं पाई अपनी जगह से, कितनी देर वो वहीं पे मैं स्टैचू बनी रही। जब मेरे होश आया, कैसे लगा, मैं देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ, मतलब धीरे, तब भी नहीं, धीरे धीरे सांस होना शुरू हुआ कि यस, मतलब आई हैव गॉट माय गुरुजी, मतलब जो मैं ढूंढे जा रही हूँ, इधर उधर देखे जा रही हूँ, कभी वहां भटक, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इतनी आ रही कि जो वहां जहां कोई बताता था वहां पहुंच जाते थे। आज भी जो प्रेजेंट है उन्होंने तो देखा होगा नेगेटिविटी कैसी थी, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो जुड़े हैं मेरे साथ वो जानते हैं, और विजय अंकल को इतना सारा पता है, श्वर्या को पता है, क्योंकि वो हर चीज से मेरे साथ जुड़े हैं, और जोड़ा किन्होंने है गुरु जी ने, और मैं उनका भी शुक्राना कर, सबसे पहले मेरे गुरु जी का शुक्राना कि वो आए, उन्होंने नेगेटिविटी दूर की,
थोड़े दिन पहले नीलम आंटी है कोई, मैं उनको नहीं जानती, उनके घर मुझे इनविटेशन आ गया कि सत्संग है। तो भगत सिंह नगर वहां पहुंचे, वहां से बैठे, पहले तो थोड़ा वॉच पोच था, निकलते रहे लोग, चाय प्रसाद ये चलता रहा। तो जैसी मैं बैठी तो गुरुजी ने व्यू दिया, कोई ड्रीम नहीं था, कुछ नहीं था, मैं ऐसे बैठी हूँ, ध्यान लगा जैसे तो सत्संग शुरू हो गया। सत्संग शुरू हुआ, देखा पूरा रूम लगा हुआ है, ऐसे ही है, संगत बैठी हुई है, सारी सारे जने बैठे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरु जी तुम आए हो। मैंने किमें पता चलेगा गुरु जी तुम आ गए, मैं तो नहीं जानती आप आ गए हो, कैसे पता चलेगा आप आ गए। कहते इंज करी जो ध्यान लगेगा ना देख ली ऊपर तेरे को ओम दिख जाने, फिर तू देखी मैं आ गया। कहते तेन समझेगा, कहते कितने सिम्टम्स दूंगा मैं तुझे पता चल जाना, साइन देने हैं मैंने तुझे। ऐसे बैठे बैठे करते गुरु जी कहते इतना ब्लेस्ड सत्संग है ना, तू सोच भी नहीं सकती, तेरे घर में जितनी भी संगत आनी है सारी ब्लेस्ड है। कहते मैं सारी संगत को ब्लेस्ड करके भेजूंगा और तुझे पता भी नहीं आना किस किस ने है, तो सारी संगत ब्लेस्ड है। देखिए गुरु जी सारी संगत ब्लेस्ड होगी पर मेरे दीदी नहीं आए बिच, वो तो दिल्ली रहते हैं, वो तो थानू बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको तो बहुत दुख है, पर गुरु जी दीदी तो है ही नहीं थे। कहते दीदी नहीं है ना, दीदी तेरे अंदर, तू दीदी दे अंदर, तेरे अंदर उन्हें ब्लेस्ड करूंगा, उन्हें ब्लेसिंग्स तेरे अंदर मिल जाएगी, तू चिंता ना कर। इतनी बात कह के गुरु जी ने जो व्यूज दिखाने थे मुझे दिखा दिए, कहां बैठे हैं लोग कैसे हैं। गुरु जी मुझे ऐसे चलो एहसास हुआ, मैं उठी, सत्संग खत्म हुआ, और भी दो तीन एक्सपीरियंस थे, चलो लंबा हो जाएगा, उसी दिन के ही है वो। तो मैं घर पहुंची, साइलेंट पे आप वहां फोन कर देते, घर आके भी भूल गए कि फोन ऑन कर रहे हैं, अंदर से वाइब्रेशन फोन पे हो रही है, मेरे अंदर वाइब्रेशन हो रही है कि फोन बज रहा है। तो मैं हमारा डॉगी है बार, उसको खाना खिला रही हूँ, तो उसके पास खड़ी हूँ, तो देखा फोन साइलेंट पे था, गीतू दी की कॉल आ गई। मैंने फोन ऑन किया, कहते क्या हुआ सत्संग पे, मैं क्या क्यों पूछ रहे हो आप, कहते सत्संग पे कुछ हुआ है, मैं क्या क्यों, कहते मैं पाठ कर रही थी, गुरु जी कहते मानवी आ गई है कार, फोन कर ला, तेरी ब्लेसिंग्स भेजी है तो अपनी ब्लेसिंग ले लाऊंगा, तो मैं तेरे लिए मैसेज भेजे है। तो मैंने उसको फोन पे सारी बात बताई, प्रॉपर एलेबोरेट किया कि ऐसे ऐसे हुआ दिस दैट। तो उसने सारी बात सुनी, कहते देख आज सुबह जब से सत्संग शुरू हुआ फोन कर रही है, पर फोन अब अपने अलाउड नहीं है, मुझे गुरुजी दिखा दे, मुझे गुरुजी दिखा दे। और मैंने कहा मैं तेरी ब्लेसिंग्स तो पहुंच गई है, गुरुजी कहते जिंद जानी एक के थोड़ी, तो मैं उन्होंने ब्लेस करता है, उन्होंने ना सोची सत्संग है नहीं, कहते मुझे गुरुजी कहते मानवी आ गई कर, तू फोन तो पूछ रहा हूँ क्या, मैं तेरी ब्लेसिंग्स पहुंचा दी है। ऐसे है मेरे गुरु जी, छोटी छोटी बात इतनी सुनते हैं। ऐश्वर्य और विजय अंकल आए हैं, वो चोला डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चोला पहनाना है। एक दिन पहले धनियो कहते हैं मम्मा अगर गुरुजी ब्लैक चोले में आ गए तो मैं ब्लैक कुर्ता पजामा पहन लूं। मैं क्या अच्छा तेरे को पता है गुरुजी ब्लैक चोले में आएंगे। तो ऐश्वर्या और विजय अंकल आए, दोनों को व्यू पहले से ही आ चुका है, ऐश्वर्या की भी गुरुजी से टेलीपैथी हो गई, और विजय अंकल तो उनके लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं हो गया, समटाइम्स मैं स्पीचलेस ही हो जाती हूँ। तो उनको भी दिखा दिया ब्लैक, और कहते मानवी आंटी आपने क्या सोचा था, मैं क्या मुझे भी ब्लैक, और मैं उस दिन से कह रही हूँ मैंने ब्लैक पहनना है। पर उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी ब्लैक पहनने की, और आज वो क्यों परमिशन नहीं मिली वो मुझे दिख रहा है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना हर पल मेरे साथ रहने का, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु का, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर मी गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना, आप सब ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने मुझे पहले व्यू दिखाया है और पहुंचा भी वही है जिनको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी है, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत नानक नाम चढ़नी कला तेरे बाने सरबत बना सच्चे पाशा, सारे खुशियां देना गुरु महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।